राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम अपने पड़ोस में ही एक दीदी के घर आए हैं और कुछ काम है हमें, और बहुत दिन से वो बुला भी रही थी तो हमने कहा चलो आज सब लोग घूमाते हैं। तो हम और हमारी देवरानी, चाय नमकीन आ गई है और पेड़ा भी खाया था, अभी दिखाया नहीं आप लोगों को। दो संजो, या तुम हमका हाथ में दो, तुम वही इनका दे दे। तुम खाओ, हम अभी तैने खाओ। अरे ले खाओ, खाओ खाओ, देखना खाए मानो ना खाए। चाय पीन के थोड़ी देर बैठी मैं ऐसे आप। हम खा रहे यार, हमको धागा ला दियो। तुम धागा हमारे पास धरा यार, हम कतरा ना मैंने सही जाते। तो गाइस हम यहां आए थे थ्रेडिंग कराने, तो देवरानी का तो हो चुका है, कहां गई इनका हो चुका है, हम जा रहे कराने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम यहाँ थ्रेडिंग कराने आए, तो हम लोग एक दूसरे के घर ऐसे रोज नहीं जा सकते हैं, तो यही एक बहाना है कि चलो उनसे मिल भी लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो वहाँ से आने के तुरंत ही बाद हम लग गए अपने काम पे। ये सुबह हमने ब्लाउज बनाया था तो ये मुझे देना, इसलिए हम इसको बना लेते हैं। तो इसको तैयार करना, और कल 4 ब्लाउज हैं जो कि मुझे देने हैं, 2 उधर तैयार रखे कमरे में। तो एक मैंने ब्लाउज सिला है, ये देखिए इसकी डिजाइन। और बताइएगा कि ये डिजाइन कैसी लग रही है आप लोगों को। ये इसका आगे का गला है और ये ऐसे ही है पूरा। ये डिजाइन बनाई है मैंने पेस्टिंग बकरम में, और ये देखिए बैक पल्ला, पीछे हुक भी लगा है और ये डिजाइन है। तो ये मैंने कॉपी किया है, मतलब पहले एक बनाया था ब्लाउज, ये देखिए, जो कि है मेरी कोमल का, जो इसने फेयरवेल पार्टी में पहना था। तो ये ब्लाउज भी हम ही ने सिला था, सेम वही चीज़ है। तो ये देख के किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो उन्होंने मेरे लिए सिलने को कहा है ऐसा ही ब्लाउज सेम। ये कोमल का है, तो आप लोग बताइए कि ये जो ब्लाउज की डिजाइन है आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाइक, ओ सॉरी कमेंट में नाइस लिख सकते हैं मेरे ब्लाउज के लिए। और इसमें ये मतलब वैसे तो बहुत साधारण लग रही है, पर इसमें बनाने ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। पहले ये बना रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था बनाने में, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार हम अपनी कोमल के लिए ब्लाउज बना रहे थे, कुछ हम बना रहे थे, क्योंकि वो अक्सर बोलती रहती है, अक्सर उसको शिकायत रहती है कि मम्मी आप मेरे लिए कुछ नहीं बनाती हो। तो मैंने ये बनाया था, और अभी एक ग्रीन कलर का आपने लहंगा देखा होगा 3 लेयर वाला, तो वो भी मैंने बनाया था। और अभी गर्मियाँ आएंगी ना, तो मैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ें बनाती रहूँगी। और अब मेरा मन करता है कि उसकी जो शिकायत है मुझसे कि मम्मी तुम कुछ नहीं मेरे लिए करती हो, सब कपड़े मेरे पापा ही सिलते हैं, तो ये जो मतलब उसको शिकायत है ना, उसको हम बिल्कुल हटा देंगे और अच्छे अच्छे कपड़े उसके लिए डिजाइन करेंगे, सिलेंगे। यहाँ पे जो फैब्रिक होता है ना, वो अच्छी क्वालिटी वाला मिल नहीं पाता है, तो उस वजह से नहीं हम बना पाते। और इनके पापा जहाँ रहते हैं दिल्ली में, वहाँ तो भरमार है, मतलब मार्केट इतनी अच्छी अच्छी है, सदर मार्केट है और भी बहुत सारी थोक मंडियाँ हैं, तो वहाँ से कपड़े आते हैं। और जो उनकी खुद की बुटीक है वहाँ पे, सारी वो वहाँ काम करते हैं, तो उस बुटीक में भी बहुत कपड़े अच्छे अच्छे रहते हैं, तो वो सिल के ले आते। तो यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक नहीं मिल पाता, तो अब इस बार जब कानपुर जाएंगे तो हम ढेर सारी फैब्रिक लेके आएंगे, आपको भी दिखाएंगे मार्केट, तो वहाँ से लाएंगे इसके लिए। और एक स्कर्ट मैंने सोची इसके लिए बनाने के लिए, तो उसका कपड़ा लेके आएंगे, सिलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जो ये ब्लाउज सिला है तो बताइएगा, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है आपका, बस मेरा एक बढ़ जाता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। और जल्दी से आप पता क्या, 1000 होने में बहुत कम बचे हैं, तो मेरा अब पेशेंस जो थोड़ा सा बढ़ रहा है कि मतलब जल्दी हो जाए। ऐसा मतलब ऐसा होता है कि मैं सोऊं और सुबह सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाए, माता रानी की कृपा होगी तो बहुत जल्दी से हो जाएंगे। तो आप लोग अपना प्यार देते रहिए। तो अभी शाम का समय हो चुका है, हमारी आरती पूजा सारा कंप्लीट हो गया
हो चुका है और कोमल रामायण पढ़ने लगी है। और मोहल्ले में देवी गीत होते हैं तो हम जाते हैं वहाँ पे गाना लगाने के लिए, रोज हो रहे हैं, तो अभी आज फिर जाएंगे। गाना के बीचों पंचायत का अलग, चलो गाओ। ननेद मांगती है, तुम्हारे वो फोकस ज्यादा, अरे हम तुमको नहीं दिखा रहे, टेंशन ना लो, अगर जो को दिखाई ना हो मोजी लगा दे भे। अच्छा कौन देना है आपको, हमेशा लाली लिपस्टिक तो पोते नहीं रहा थे, नॉर्मल हमेशा तो गाना समाप्त हो चुके हैं और हम आ गए हैं अपने घर और भी खाना पीना खाएंगे फिर सोएंगे। तो आप लोगों से बाय बाय।